हेलो प्रेपमेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। तो बहुत ही तेज रफ्तार से हमारी जो गाड़ी है वो आगे बढ़ रही है और आज इसी जर्नी के अंदर हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो बड़ा चैप्टर था उसके सेकेंड पार्ट की। इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज के ऊपर या फिर करंट कैरिंग वायर के ऊपर किस तरीके से फोर्स लगता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग वायर की वजह से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। आज अपन उल्टा काम करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किस तरीके से चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये शायद फिजिक्स के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सेक्शंस में से एक है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब आप पार्टिकल की मोशन की बात करोगे तो आप देखोगे कि यहां पर कितने सारे कंसेप्ट्स को मिक्स करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बनती है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के वीडियो की, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले हम आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे कि एक चार्ज जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है या फिर मूव कर रहा है उसके ऊपर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है, राइट? तो हमें डायरेक्ट इस फॉर्मूले से शुरुआत करनी है कि एक चार्ज जो कि मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर वेलोसिटी वी से मूव कर रहा हो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। अब यहां पे फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्रॉस प्रोडक्ट से निकाली जा रही है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, हम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाला करते थे राइट हैंड थंब रूल से। हम पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ हमारी उंगलियों के कर्ल को लेके जाते थे और अंगूठा हमें बता दिया करता था कि फोर्स यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट का वो किस डायरेक्शन के अंदर होगा। तो आपको कोई रूल्स वगैरह के लफड़े के अंदर नहीं पढ़ना, आप सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स ध्यान रखना, राइट? तो वेलोसिटी वी और मैग्नेटिक फील्ड बी, इसकी वजह से चार्ज क्यू के ऊपर लगने वाला फोर्स हो जाएगा क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। अब बहुत सारे केसेस बन रहे हैं। सबसे पहला केस तो यह है कि अगर चार्ज के पास कोई वेलोसिटी ही ना हो, यानी कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा। जैसे आप वी की वैल्यू जीरो रखोगे फोर्स भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो दिमाग में सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखनी है कि एक स्टेशनरी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता। केवल और केवल किसका असर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का असर होता है, राइट? दूसरी बात, अगर चार्ज मूव कर रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के अलोंग ही मूव कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी थीटा जीरो या 180 डिग्री हो जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यानी कि उस कंडीशन में भी आपका जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो केसेस जो है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखने हैं, राइट? एक तो चार्ज स्टेशनरी है तब, और अगर चार्ज मूव कर रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है तब उस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अब हमारे जो इंटरेस्टिंग केस बचा है उसको हम फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। हमने बोल दिया कि चार्ज मूव कर रहा है और हमने बोल दिया कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी मूव नहीं कर रहा। तो अब जो रिमेनिंग केसेस बच गए उनको भी अपन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक में तो हम बताएंगे कि जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी, देन फोर्स विल बिकम क्यू टाइम्स वी इनटू बी। क्योंकि जब वी और बी परपेंडिकुलर होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू सिंपली वी मल्टीप्लाइड बाय बी के इक्वल हो जाएगी, राइट? और क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो इन्वॉल्व वेक्टर्स जो होते हैं यानी कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, तो यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको समझ में आती है कि यार फोर्स जो है वो मोशन के परपेंडिकुलर है हर मोमेंट के ऊपर। यानी कि ये जो फोर्स है ये किस तरीके का फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। याद करो सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल एक ऐसा फोर्स होता है जो कि पार्टिकल की मोशन के दौरान हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। तो कुछ वैसा का वैसा काम हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी v, राइट? इससे हमें पता चल गया दो चीजें। पहली चीज तो हमें पता पड़ गया कि ये जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क करेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क करेगा तो पार्टिकल की जो ओवरऑल मोशन होगी
वो कैसी मोशन होगी? सर्कुलर मोशन होगी। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन से इसको कनेक्ट करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो सर्कुलर मोशन की जो रेडियस होगी वो हो जाएगी एम वी डिवाइडेड बाय क्यू वी। अगर आपको फॉर्मूला याद रह जाता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने आपको पहले भी डील करना सिखा रखा है कि सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा एक फोर्स चाहिए होता है जिसकी शक्ल एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होती है, और यहां पर उस फोर्स की सीट पे कौन बैठा है? क्यू वी भी। जब आप इन दोनों को इक्वल रखोगे तो अपने आप ही आपको रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको इनफैक्ट फॉर्मूला भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये जो एम वी है कई बार इसकी जगह मोमेंटम भी यूज कर लेते हैं, तो मोमेंटम डिवाइडेड बाय चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये रेडियस की वैल्यू हो जाएगी। मोमेंटम को आप लिख सकते हो अंडर रूट ट्वाइस ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है ये ई, डिवाइडेड बाय क्यू वी। और कई बार जो ये काइनेटिक एनर्जी है चार्ज पार्टिकल को मिलती है किसकी वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है, ठीक है, प्रोवाइडिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जब उसको एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी क्यू टाइम्स वी के इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे ई की जगह क्यू टाइम्स वी रखोगे तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वन अपॉन वी अंडर रूट टू एम टाइम्स वोल्टेज डिफरेंस। ध्यान रखना ये कैपिटल वी वेलोसिटी नहीं है, ये वोल्टेज डिफरेंस है जिससे उस पार्टिकल को एक्सेलरेट, इसको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज भी बोलते हैं, राइट। तो क्वेश्चन में आपको इस तरीके से डिवाइडेड बाय क्यू। तो आपको ये सारे के सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, अदरवाइज आप इनको आसानी से डिराइव भी कर सकते हो बिल्कुल सेकेंड्स के अंदर, राइट। टाइम पीरियड जो होगा वो कितना हो जाएगा? टू पाई आर डिवाइडेड बाई वी। टू पाई आर डिस्टेंस हो जाएगी एक राउंड में, और वी उसकी वेलोसिटी है। जब आप आर की वैल्यू रखोगे एम वी अपॉन क्यू बी, अपने आप ही आपको ये फॉर्मूला आता हुआ नजर आ जाएगा, टू पाई एम अपॉन क्यू बी। एक बहुत ही खास बात कि जो ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा? पार्टिकल की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो पार्टिकल बहुत स्लो मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो भी उसका टाइम पीरियड उतना ही रहेगा, जब वो बहुत फास्ट मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तब उसका टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड के ऊपर चार्ज की वेलोसिटी का फर्क नहीं पड़ता, केवल और केवल किसका फर्क पड़ता है? चार्ज के मास का, खुद चार्ज का और मैग्नेटिक फील्ड का, ऑफ कोर्स, राइट। तो पहला कंक्लूजन तो हमें ये मिल गया कि क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो पार्टिकल की मोशन सर्कुलर मोशन होगी विथ दीज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, राइट। क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा सकते हैं यहाँ पे और हम देखेंगे अभी क्वेश्चंस के अंदर, बट आपको बहुत आसान लगेंगे क्योंकि मोस्ट वांटेड सीरीज जो है उसका चमत्कार है कि आपको जो कंसेप्ट मिक्स किए जाएंगे इस चैप्टर में वो अभी अभी ताजा ताजा पढ़ाए गए हैं, तो आपके सबके दिमाग में फ्रेश है। नाउ यू विल फील अ वेरी लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, नाउ दिस टाइम यू विल हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच वाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, so you will enjoy it, right? खैर, दूसरी चीज, एक सर्कुलर मोशन के दौरान क्योंकि फोर्स हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर होता है तो फोर्स के द्वारा जो किया गया वर्क होता है वो हमेशा कितना होता है? जीरो होता है। ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं, यहां पे एक बार मैं मेंशन करना चाहूंगा। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से किसी चार्ज क्यू के ऊपर किया गया फोर्स हमेशा कितना वर्क करता है? जीरो वर्क करता है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब जो बाकी केसेस बच गए, हमने चार्ज को स्टेशनरी नहीं माना, हमने चार्ज को बोल दिया कि भाई साहब तू पैरेलल मूव नहीं कर सकता, हमने चार्ज को बोल दिया कि अब तू परपेंडिकुलर भी मूव नहीं कर सकता, तो जितने भी रिमेनिंग केसेस है जिसमें वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में कोई इन जनरल एंगल होगा, 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 120 हो सकता है, राइट, इस तरीके से, तो उस केस में मोशन कैसी होगी पार्टिकल की? तो व्हेन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एट सम एंगल थीटा, देन हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक चतुराई पूर्वक काम करेंगे, हम इस वेलोसिटी वेक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, दो कॉम्पोनेंट्स में। एक कॉम्पोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा, दैट विल बी वी कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, दैट इज वी साइन थीटा। जो वी साइन थीटा है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, अभी अभी आपने पढ़ा था, ये तो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा? पार्टिकल की सर्कुलर मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, राइट। और अब इस बार रेडियस जो हो जाएगी वो जाएगी एम वी की जगह, आपकी बार अपनों को कौन सी चीज मिल रही है? वी साइन थीटा, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। फिर वो एम वी की जगह पी रख सकते हो, पी की जगह ई रख सकते हो, वो सारी सारी चीजें आप करते रहना। टाइम पीरियड मैंने बताया था, टाइम पीरियड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इस केस में भी टाइम पीरियड कितना आएगा? टू पाई एम अपॉन क्यू बी आएगा। और ये जो ये पैरेलल वेक्टर है, आपने खुद नहीं बोला था कि सर पैरेलल होती है वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ता, तो ये भाई साहब जी अपने मस्त आराम से चलते रहेंगे जिस वेलोसिटी से चल रहे थे, यानी कि
जो ये पैरेलल कंपोनेंट है, इट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर मोशन ऑफ पार्टिकल। अब ओवरऑल अगर आप मोशन देखोगे कि कोई चीज सीधे भी जा रही है और रोटेट भी कर रही है, तो ओवरऑल जो मोशन होगी उसको कहा जाता है हेलिकल पाथ। जैसे स्प्रिंग जो होती है ना, उसका जो शेप होता है वो एक हेलिकल शेप होता है, राइट? तो उस तरीके से आपका पार्टिकल मूव करता हुआ दिखाई देगा, और उसके दो हेलिक्स के बीच की जो डिफरेंस है वो कहलाती है पिच। ठीक है, तो पिच आप आसानी से निकाल सकते हो। एक अगर पार्टिकल की सर्कुलर मोशन को कंसिडर करते हो, तो एक राउंड को लगाने में टाइम कितना लगता है? 2πm/qb। और उस टाइम में आपका जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है वो कितना आगे ले जाता है? तो वो हो जाएगा 2πm(v cos θ)/qb। तो ये पिच का फॉर्मूला है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप खुद से कर सकते हो ये सारी की सारी चीजें, राइट? तो ये तब होगा जब पार्टिकल किसी एंगल पर होगा। तो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है, उसके बारे में हमने सारी की सारी चीजें इन दो पर्टिकुलर बॉक्सेस के अंदर कैद करके रखे। अब आप जानोगे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब क्वेश्चन के अंदर आप कुछ भी नहीं पाओगे जो इससे अलग होगा, इससे हटके होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज लॉरेंज फोर्स की अगर अपन बात करें। अब हमने देख लिया कि यार एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड भी अफेक्ट करती है और मैग्नेटिक फील्ड भी अफेक्ट करती है, तो कोई ऐसा प्लेस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो और चार्ज जो है वो किसी वेलोसिटी वी से भी मूव कर रहा हो, तो उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? क्यू टाइम्स ई प्लस क्यू टाइम्स वी क्रॉस वी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स का सम। तो इसको ओवरऑल लॉरेंज फोर्स बोला जाता है, राइट? अब यहां पे ध्यान रखना कि अगर बहुत स्पेशल केस है कि अगर उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो और वेलोसिटी उन दोनों के परपेंडिकुलर हो, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर उस तरीके से अगर आप ई वी और बी को, इन तीनों वेक्टर्स को रख दो, तो एक बहुत ही खास केस निकल के बाहर आएगा। उस केस में क्या होगा कि पार्टिकल के ऊपर स्टिल कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। बट वो केस कब आएगा? जब आपका पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ई डिवाइडेड बाय बी इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। मैंने कैसे डिराइव किया? आप खुद से कर सकते हो। ये तो क्यू ई फोर्स हो जाएगा और वी और बी को आपने परपेंडिकुलर बोल दिया, तो ये क्यू ई भी हो जाएगा। अगर ये और ये डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे और ओवरऑल फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। तो इन दोनों के सम को जीरो रख देना, राइट? और क्यू से क्यू कट जाएगा, अपने आप ही वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई डिवाइडेड बाय बी के इक्वल आ जाएगी। तो ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ये यूज किया जाता है, आप एक प्लेस एक रीजन लेते हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और आप अलग अलग चार्जेस को या फिर एक ही चार्ज के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को आप इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर एंटर करवाते हो। अब आप चाहते हो कि यार हमें केवल और केवल एक फिक्स वेलोसिटी वाला पार्टिकल ही बाहर मिले, यू वॉन्ट टू सेलेक्ट पार्टिकल्स दोज हैव ए स्पेसिफिक वेलोसिटी, तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से सेट कर दोगे ताकि वेलोसिटी के इक्वल आ जाए, तो उसी वेलोसिटी का जो पार्टिकल है वो बिना डिविएट हुए, बिना डिफ्लेक्ट हुए बाहर आएगा, बाकी सारे इधर उधर फोर्स लग लगा के इधर उधर दाएं बाएं निकल जाएंगे, राइट? तो वेलोसिटी किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी वाले पार्टिकल को फिल्टर आउट करने के अंदर ये कंसेप्ट काम में लिया जाता है, और तुम्हारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दूसरा लॉरेंज फोर्स का जो यूज किया जाता है वो पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के अंदर काम में आता है, इसको अपन बोलते हैं डिवाइस को साइक्लोट्रॉन। कुछ ऐसी होती है जैसे मैंने डायग्राम बना रखी है, दो मैग्नेट्स हैं और उनके जो बीच का रीजन है उसमें दो होलो मेटेलिक डीज रखी हुई है, ठीक है, और इन दोनों मेटेलिक डीज के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है वो ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस चार्ज पार्टिकल को क्या करवाना चाहते हो? एक्सेलरेट करवाना चाहते हो, राइट? तो हमने ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया, इसके सेंटर में एक चार्ज पार्टिकल को रखा जाता है, और जैसे ही आप इस डिवाइस को ऑन करते हो तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से दोनों डीज के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, चार्ज जैसे ही मूव करता है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगने लग जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवाएगा, तो इस तरीके से पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है। अब सिंक्रोनाइज्ड स्टेट के अंदर क्या होगा कि जैसे ही पार्टिकल अपना आधा राउंड काट के दूसरे डी के अंदर एंटर करना चाहेगा, उधर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया वो इन दोनों डीज की पोलैरिटी चेंज कर देगा, तो हर केस में पार्टिकल के सामने वाली जो डी है
उसके ऊपर पार्टिकल का अपोजिट पोलैरिटी वाला चार्ज होगा, अपोजिट पोलैरिटी वाला पोटेंशियल होगा। तो चार्ज हमेशा अपने सामने वाली डी से क्या करता हुआ नजर आएगा, आपको अट्रैक्ट होता हुआ नजर आएगा। यानी कि चार्ज को एनर्जी देने का काम तो करेगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स कनेक्ट किया है, और उसको सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवाने का काम करेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अगर आप केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को ही यूज करके पार्टिकल को एक्सेलरेट करना चाहते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर चलता, और मान लो आपको पार्टिकल को एक पर्टिकुलर रेस्ट से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक एक्सेलरेट करना है, तो आपको उसको 10,000 किलोमीटर मान लो चलाना है, 10,000 किलोमीटर, राइट? तो आपको 10,000 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रेट पाथ चाहिए था, और उसके अंदर आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी होती, और उसके अंदर फिर चार्ज मूव करता 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 10,000 किलोमीटर जाके उसकी वेलोसिटी उतनी सफिशिएंटली हाई हो जाती जितनी आपको चाहिए। तो ये डिवाइस बनाना ज्यादा आसान है, या फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड की सहायता ली और उसकी वजह से इसको सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवा दिया। अब अगर आप बिल्कुल पास पास में लेयर्स को लोगे, इस चार्ज की लाइन को लोगे, तो आप देखोगे इस 10,000 किलोमीटर के पाथ को अगर आप चाहो तो बहुत ही कम रेडियस के एक स्पाइरल पाथ के अंदर क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। और यही किया जाता है साइक्लोट्रॉन के अंदर। साइक्लोट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना काम करती रहती है कि पार्टिकल को एनर्जी देती रहती है, देती रहती है, उसको एक्सेलरेट करने का काम करती है, और मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है उसको सर्कुलर पाथ के अंदर घुमाते रहना, स्पाइरल पाथ के अंदर घुमाते रहना, ताकि पार्टिकल के लिए एक्सेलरेट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा बड़ी डिवाइस की जरूरत ना पड़े। बट स्टिल ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है, राइट? हमें क्या जानना है इसके बारे में, हमें जानना है कि इससे जो मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है किसी चार्ज पार्टिकल के लिए वो कितनी होगी, क्यू टाइम्स बी टाइम्स आर डिवाइडेड बाय एम के इक्वल होगी। और यहाँ पे ध्यान रखना जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, Q टाइम्स B डिवाइडेड बाय 2 बाय M। यानी कि अगर आप चार्ज फिक्स कर दो, जैसे आपने फिक्स कर दिया कि हम अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, तो उसका Q फिक्स हो गया, उसका M फिक्स हो गया, फिर आपने फिक्स कर दिया कि हम तो भाई साहब इतनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो B फिक्स हो गया। तो ये चीजें फिक्स होते ही आपको एक फ्रीक्वेंसी नजर आएगी मिलती हुई, उस फ्रीक्वेंसी को आपको किसके अंदर अप्लाई करना है, इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी के तौर पे अप्लाई करना है, तब जाके आपका साइक्लोट्रॉन सिंक्रोनाइज्ड स्टेट के अंदर गिराएगा। तो आप इसको दोनों तरीके से पढ़ सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की भी फ्रीक्वेंसी है और यही फ्रीक्वेंसी आपके ऑल्टरनेटिंग सोर्स की भी फ्रीक्वेंसी। और ये आया कहां से, मैंने उस टाइम पीरियड को क्या कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया, टांगे ऊपर और सिर नीचे, राइट? इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होगी, तो ओवरऑल फॉर्मूला आ जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। और इसके अंदर सपोज करो n टर्न्स लगते हैं इसको डीज की रेडियस तक जाते जाते, और हर टर्न के अंदर दो बार उसको एनर्जी मिल रही है, ट्वाइस ऑफ क्यू इंटू वी, यहां पर कैपिटल वी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहां से जो एनर्जी मिली है यही तो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो q d स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्मॉल m टाइम्स कैपिटल v। कैपिटल v इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, इस चीज के इक्वल हो जाएगी। जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हो उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बहुत डिटेल में जाके समझाया है, ठीक है? और नीट के अंदर हालांकि क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, बट जब भी पूछे जाते हैं तो मैं इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड होंगे, तो आप डायरेक्ट इन फॉर्मूलाज को भी ध्यान रख सकते हो। खासकर ये ध्यान रखना कि कौन सी चीज किस पावर के ऊपर डिपेंड कर रही है, जैसे काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या चार्ज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से फॉर्मूलाज ध्यान रख लेना, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, राइट? तो ये साइक्लोट्रॉन हो गया, ठीक है? तो ये तो एक चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स था। अब अपन बात करते हैं एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स। तो एक वायर है जिसकी लेंथ L है, उसके अंदर करंट I फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर रखा गया है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, I इंटू एल क्रॉस B होगा। अगेन L और B अगर पैरेलल हो जाएंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। अगर आपका वायर टेढ़ी मेढ़ी शेप का है और फिर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो इफेक्टिव लेंथ जो हमें लेनी है वो क्या होती है, दोनों एंड्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी होती है, यानी कि फिर डिस्प्लेसमेंट जैसा कॉन्सेप्ट हो गया, राइट? तो ये चीज ध्यान रखना। इससे हमें एक रिजल्ट ये भी समझ में आएगा कि अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्लोज्ड लूप को रख देते हो, क्लोज्ड लूप में क्या होगा, एक एंड से आप चलोगे और दूसरा एंड भी वहीं पर होगा, तो दोनों एंड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जीरो। यानी कि क्लोज्ड लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला नेट फोर्स
हमेशा कितना होता है, जीरो होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट। उसके ऊपर टॉर्क लगता है, उसकी बात करेंगे अपन राइट। दो वायर्स के बीच में, अब ये वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इधर की तरफ, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर के ऊपर फोर्स लगेगा। ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इधर की तरफ, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अगर दोनों वायर्स के अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर है करंट, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा, अगर दोनों वायर्स इनफाइनाइट लेंथ के हैं, तो म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाय टू पाई डी के इक्वल होगा। तो यहां पर भी बहुत सारी चीजें कनेक्ट की जा सकती है, इसको ग्रेविटी से कनेक्ट किया जा सकता है। फोर्स है ना, तो फोर्स में तो कोई सा भी फोर्स लेके इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस फलाना ढिमका कर करा के इसको कनेक्ट किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से, तो आपको तैयार रहना। और एक रेक्टेंगुलर कॉयल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दोगे, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर फोर्स तो लगेगा नहीं, उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा ठीक है, वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स करंट टाइम्स एरिया, एरिया ऑफ दैट कॉयल राइट, टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एट सम पर्टिकुलर स्टेट। इसके ऊपर क्वेश्चन कम मिलेंगे, इसके ऊपर जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में और उसके नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा मिलेंगे, तो अपन वहां पर भी बात करेंगे इसके बारे में राइट। तो बहुत कम कंसेप्ट है इसके अंदर, बट मैंने आपको जैसा कि बताया कि यहां पर अदर चैप्टर से इसको बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली लिंक किया जा सकता है, तो आपको तैयार रहना है। मजे आएंगे आपको क्वेश्चन करने के अंदर, कॉन्फिडेंस अपना हाई बनाए रखना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन राइट। अ प्रोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर सेपरेटली प्रोजेक्टेड इन अ रीजन वेयर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, द इनिशियल वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ जाना, दोनों के दोनों सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेंगे। इफ बोथ द पार्टिकल्स मूव अलोंग सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस, द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ प्रोटोन टू अल्फा पार्टिकल इज। तो हमें पता है जो रेडियस होती है वो किसके इक्वल होती है, मोमेंटम डिवाइडेड बाय चार्ज मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर अपन प्रोटोन की बात करते हैं, ये तो मोमेंटम ऑफ प्रोटोन हो जाएगा, ये चार्ज ऑफ प्रोटोन हो जाएगा। और अगर अपन अल्फा पार्टिकल की बात करें, तो ये मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, ये चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों के ऊपर ही सेम अप्लाई करी गई है। बस हो गया हमारा क्वेश्चन, रेडियस इक्वल रखने के लिए कहा था दोनों की, तो हमने इक्वल रख दी, हमारा क्वेश्चन यहीं से हो गया। बी से बी कट जाएगा, और प्रोटोन के मोमेंटम और अल्फा पार्टिकल के मोमेंटम का जो रेशियो होगा वो प्रोटोन के चार्ज और अल्फा पार्टिकल के चार्ज के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। प्रोटोन का चार्ज अगर क्यू होता है, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है, ट्वाइस ऑफ ई के इक्वल होता है ना। मैं चलो आपकी जानी पहचानी फॉर्म में रखता हूं, प्रोटोन का चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है राइट। और अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम प्लस टू आयन, तो प्लस टू का मतलब है उसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज, यहाँ पे टू भी रख देंगे, ई से ई कट जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय टू, ऑप्शन नंबर टू क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। बिलीव मी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत स्पीड के साथ करने हैं क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ए एंड बी, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ठीक है ना, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट आर एक्सेलरेटेड बाय अ कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस हो गया राइट। दे एंटर्स इनटू अ यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, एंड डिस्क्राइब अ रेडियस अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू रिस्पेक्टिवली, देन देयर मास रेशियो इज। अगेन जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अपनों को फॉर्मूला किसकी फॉर्म में रखना है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की फॉर्म में रखना है, ये हो जाता था अंडर रूट टू एम चार्ज टाइम्स ठीक है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी। या तो यू ध्यान रख लो, या फिर मैंने आपको फाइनल फॉर्मूला बताया था वो ध्यान रख लो राइट। ये एनर्जी कहां से मिलती है इसको, क्यू इंटू बी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना उसको कहां से मिलती है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से मिलती है, चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर देखो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स है, यानी कि चार्ज सेम है राइट ऐसे ही दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है, यानी कि पोटेंशियल भी सेम है, दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है।
तो जो रेडियस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रही है आपको, अंडर रूट एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रही है। अब अगर कोई बच्चा गलती से ये वाला फॉर्मूला लगा देता ना, एम वेलोसिटी वी डिवाइडेड बाय क्यू वी, तो उसको लगता कि यार रेडियस तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और यहीं पर उसका क्वेश्चन गलत हो जाता। क्योंकि कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कंडीशन के अंदर आप बात कर रहे हो, तो जिस कंडीशन की बात करी जाए, जिस कॉन्टेक्स्ट की बात करी जाए ना, उस फॉर्मूला को यूज करना होता है। इसका मतलब है R1 डिवाइडेड बाय R2 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट M1 डिवाइडेड बाय M2 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि M1 डिवाइडेड बाय M2 जो होगा वो R1 डिवाइडेड बाय R2 पावर 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाना चाहिए हमारा, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पार्टिकल्स x एंड y हैव इक्वल चार्जेस, पकड़ते जाओ, चार्ज दोनों का इक्वल है, एंड पजिजिंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, सेम है। एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन एंड आर टू रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ दियर मासेज इज, तो अब की बार हमें फॉर्मूला यूज करना है, अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी ई डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी। सारी चीजें सेम कह दी गई है हमें, चार्ज सेम है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो केवल और केवल रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, अंडर रूट एम के। अगेन आर वन डिवाइडेड बाय आर टू किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट एम वन डिवाइडेड बाय एम टू, तो एम वन डिवाइडेड बाय एम टू की वैल्यू आ जाएगी आर वन डिवाइडेड बाय आर टू होल स्क्वायर के इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फोटोन ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल, ठीक है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम है दोनों का। एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, रेशियो ऑफ दियर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ रिस्पेक्टिवली, तो हमें किसकी फॉर्म में लिखना है फॉर्मूला, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना है। तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की फॉर्म में फॉर्मूला हुआ करता था आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2m, एनर्जी की जगह आ जाता था q इंटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिवाइडेड बाय क्यू बी, तो इसको यू भी लिखना सिखाया था मैंने, 1 अपॉन बी अंडर रूट 2m बी डिवाइडेड बाय क्यू। ये जो रूट क्यू है ना उससे नीचे वाला क्यू कट जाएगा, तो नीचे भी रूट क्यू रह जाएगा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला जो है हमारे काम में आ जाएगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड सेम है और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम है, तो जो रेडियस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, रूट एम के, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, रूट क्यू के। तो अगर आप आर ऑफ प्रोटोन, आर ऑफ ड्यूट्रॉन एंड आर ऑफ अल्फा पार्टिकल, इन तीनों का रेशियो लेते हो तो किसके रेशियो की फॉर्म में मिलेगा ये आपको, मास ऑफ प्रोटोन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटोन। तो चार्ज ऑफ प्रोटोन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज ई के इक्वल होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। फिर इधर आते हैं ड्यूट्रॉन की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो ड्यूट्रॉन आपको पता होगा क्या होता होगा, ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है ना उसका आइसोटोप होता है और उसका जो आयन होता है उसको ड्यूट्रॉन बोला जाता है। तो हाइड्रोजन के अंदर खुद के अंदर तो केवल और केवल एक प्रोटोन होता है और ड्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटोन और एक न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहां पर जो मास हो जाएगा वो ट्वाइस ऑफ प्रोटोन के मास के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि प्रोटोन और न्यूट्रॉन का मास सेम माना जाता है, तो दो हो गए ना, तो डबल हो गया। और इसका चार्ज स्टिल किसके बराबर होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और अगर अपन इसकी बात करें तो ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम प्लस टू आयन, तो हीलियम के अंदर दो प्रोटोन और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो मास तो हो जाएगा 4mp और चार्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई के। अब देखो रूट एम अपॉन ई, रूट एम अपॉन ई और रूट एम अपॉन ई सब में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इधर तो बचेगा 1, इधर बचेगा रूट 2 और इधर 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो अगेन बचेगा रूट 2, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए, 1 रेशियो रूट 2 रेशियो रूट 2 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है ना, इन तीनों पार्टिकल्स के बारे में आपको बहुत सारा इस तरीके का क्वेश्चन जानने को मिलेगा, तो इनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड अ मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाइड ऑन अ प्रोटोन विच मूव्स विथ वेलोसिटी वी
इट गोज अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था, थ्रू द रीजन इफ ई इज परपेंडिकुलर टू बी, तो हमने बोला था कि हाँ भाई साहब ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बट ये सफिशियंट कंडीशन नहीं है। एक कंडीशन और थी, ई इज पैरेलल टू वी एंड परपेंडिकुलर टू बी, तो हमने बोला था कि ई वी और बी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं। तो तीसरा पढ़ते हैं, ई बी वी ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये सही डायरेक्शन में जा रहा है, एंड वेलोसिटी इज ई डिवाइडेड बाय बी। तो अब इसने सारी की सारी कंडीशन हमारे सामने बग दी, यानी कि ये वाला जो आंसर है वो सेम है, ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। अच्छा ये चौथा तो वैसे ही गलत हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को पैरेलल बता रहा है, ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ करंट कैरिंग वायर एसी इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स ऑन वायर एसी इज। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं पहले आपको बताता हूं, और इसके अंदर एक पॉइंट हमने यूज किया था उसका यूज करने भी की भी कोशिश करेंगे। एक तो तरीका यह है कि अपनों को मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो फोर्स जो जाएगा आई इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, एक तो इसके ऊपर फोर्स निकालें, राइट, एक इसके ऊपर फोर्स निकालें अलग अलग से, क्योंकि हमें लेंथ तो पता है ना, तो इसकी लेंथ ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। तो इसके ऊपर फोर्स जो होगा, इसको अपन नाम ले लेते हैं, ए से ये एम तक चला जाएगा, एम से एन तक चला जाएगा और एन से सी तक चला जाएगा। तो सबसे पहले फोर्स ऑन ए एम की अगर मैं बात करूं तो वो कितना आ जाएगा, करंट हो जाएगी 3 एम्पियर, लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है आपकी 10 टेस्ला, ठीक है। तो कुल मिला के जो आपका फोर्स निकल के आएगा, इस 10^-2 को अपन 1/100 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 3×8×1/100×10, 0 से 0 चला गया, 8×3 करेंगे तो 24 और डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 2.4 न्यूटन आ जाएगा, राइट। सेम तरीके से इसके ऊपर भी जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, एन सी के ऊपर जो फोर्स आएगा वो भी कितना आएगा, 2.4 न्यूटन आएगा। इनफैक्ट इन दोनों का जो फोर्स होगा ना वो सेम डायरेक्शन में होगा, ये लेंथ है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी उंगलियों के कर्ल को रखो तो अंगूठा बता देगा कि फोर्स दोनों के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगना चाहिए। अब अपन बात करते हैं इसकी, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू कितनी होगी, फोर्स ऑन एम एन, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, करंट हो जाएगा 3 एम्पियर, ये 6 है ये 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये पक्का कितनी आ जाएगी आपकी, 10 आ जाएगी, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर में, इसलिए मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 100/10 और मैग्नेटिक फील्ड है 10, 100 से 100 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 न्यूटन आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे जो गलती करेंगे, कुछ बच्चे तो क्या करेंगे सीधे सीधे इन फोर्सेस को ऐड कर देंगे, वो सोचेंगे कि यार 2.4+2.4+3 कर देते हैं अपन, अपना आंसर आ जाना चाहिए, यानी कि 4.8+3 करेंगे तो 7.8 हमारा आंसर आना चाहिए। खैर 7.8 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो उनको लगेगा कि यार कुछ ना कुछ लोचा है इस क्वेश्चन के अंदर, छोड़ के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों गलत कर रहे हैं वो, क्योंकि वो फोर्सेस को वैक्टरली सम नहीं कर रहे, इसके और उसके ऊपर तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इनको वेक्टरली सम किया जा सकता है, बट इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ये है लेंथ, ठीक है, और लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाओगे, ये लेंथ है और लेंथ से मैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा हूं, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको डायरेक्टली सम नहीं कर सकते, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के दो कॉम्पोनेंट लेने पड़ेंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा। ये वाला जो फोर्स है ये इन दोनों के ऊपर लगने वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो हमें 2.4 और 2.4 ये जो कॉम्पोनेंट है उसको माइनस करना पड़ेगा, और फिर उस वेक्टर से जो आएगा रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसको इस वेक्टर के साथ वापस से परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जैसे सम करते ना वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और आंसर हमारा जो है वो बहुत मेहनत करने के बाद में आएगा। अब इतनी मेहनत केवल और केवल आपको इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आपने मेरी एक बात के ऊपर शायद ध्यान ना दिया हो। मैंने आपको बताया था कि अगर वायर टेढ़ी मेढ़ी शेप का हो तो फिर हमें
शुरुआती एंड से लेके जो उसका आखिरी एंड है उन दोनों को मिला देना है डायरेक्ट। इसको किससे मिला दो आप, इससे मिला दो, और हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये लेंथ कितनी आ जानी चाहिए हमारी, 10 आ जानी चाहिए। और हमें इसके ऊपर फोर्स निकालना है, और इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा, अभी अभी हमने निकाला था 10 सेंटीमीटर वाली जो लेंथ है उसके ऊपर फोर्स कितना आएगा, 3 न्यूटन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, तब आपको तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ यार वाकई जो तरीका है सर ने बताया है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और हमें उसको ध्यान में रखना, फिर अपने आप ही ध्यान रख लोगे आप। राइट, आप इस तरीके से भी करना, ये फोर्स अपवर्ड है, ये फोर्स अपवर्ड है, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, उसके दो कॉम्पोनेंट लेना, 45-45 डिग्री पर होंगे दोनों कॉम्पोनेंट। राइट, फिर वेक्टर सम करके देखना आपका फाइनल आंसर अगेन कितना आएगा, 3 न्यूटन आएगा। राइट, अदरवाइज आप इस तरीके से कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वायर PQRST कैरिंग करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला एज शोन इन फिगर। इफ द लेंथ ऑफ QR इज 4 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक कितनी है, 4 सेंटीमीटर, एंड SR इज 6 सेंटीमीटर, ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर, देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन SR एज ऑफ द वायर इज। तो हमें केवल और केवल SR एज के ऊपर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, SR की हमें लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है हमें SR की लेंथ, 6 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया, करंट दे दी गई है, तो फोर्स हो जाएगा करंट दैट इज 5 एम्पियर, लेंथ दैट इज 6 × 10^2 −2 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इंटू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 2 टेस्ला। और अगर आप इसके और इसके बीच का एंगल लोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। और हमें क्योंकि एल क्रॉस बी करना होता है, तो एल क्रॉस बी की वैल्यू होती है एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा अगर अपन करेंगे तो हमारे लिए साइन थीटा कितना निकल गया, हमने आई ले लिया, एल ले लिया, बी ले लिया, अब हमें साइन थीटा की वैल्यू लेनी है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/6। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 5 × 4 × 2 करोगे तो 20 × 2 करोगे तो 40 × 10^2 −2, यानी कि 0.4 न्यूटन फोर्स आपको आता हुआ मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसका एक तरीका और है, एक तो आपने फॉर्मूला लगाया ILB sin थीटा, एक आप क्या करो कि जो लेंथ होती है ना उसके दो कंपोनेंट ले लो, एक मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। जो अलोंग वाला कंपोनेंट है उसके ऊपर तो 0 फोर्स लगेगा, और जो परपेंडिकुलर है उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 4 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा, तो डायरेक्ट 4 सेंटीमीटर वाले के ऊपर निकाल लेना। इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज क्यू एंड काइनेटिक एनर्जी टी एंटर्स अ ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी। आफ्टर 3 सेकेंड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बी। तो अगर वो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से उसकी मोशन सर्कुलर मोशन हो जाएगी। बट सर्कुलर मोशन के अंदर जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वजह से किया गया वर्क कितना होता है, 0। और अगर वर्क 0 है तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 0। तो 3 सेकंड बाद में भी आप काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो आपको कितनी दिखाई देगी, एग्जैक्टली टी ही दिखाई देगी। ऐसे क्वेश्चन में आपको सतर्क रहना है। राइट, क्वेश्चन उलझाने के लिए होता है। अ क्लोज लूप PQRS केयरिंग केयरिंग इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिखाई दे रहा होगा आपको। इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेगमेंट PS दिखा रखा है, PS के ऊपर F1 है, इसके ऊपर F2 है, इसके ऊपर F3 है रेस्पेक्टिवली, एंड आर इन प्लेन ऑफ द पेपर अलोंग एंड अलोंग द डायरेक्शन शोन इन फिगर, द फोर्स ऑन सेगमेंट QP इज। तो QP के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो हमें हमने एक फैक्ट पढ़ा था, हमने फैक्ट पढ़ा था कि एक लूप जो होता है उसके ऊपर ओवरऑल फोर्स कितना होता है, 0 होता है। तो ओवरऑल फोर्स 0 करना है हमें,
तो हमारे पास में तीन फोर्सेस है, एक तो है F1, एक है F2 और एक है F3। तो पक्का जो PQ के ऊपर फोर्स लगेगा वो इन तीनों वेक्टर्स के वेक्टर सम के बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। तो इनका वेक्टर सम तो आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। पहले अपन मान लेते हैं F3 ज्यादा है, तो F3 में से F1 को माइनस कर देंगे, तो इधर एक नया वेक्टर आ जाएगा F3 - F1। और फिर ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, √F3 - F1, पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर। तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो इतने मैग्नीट्यूड का होना चाहिए और डायरेक्शन में इसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो होगा भी उसके परपेंडिकुलर ही जाओगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपको करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप इन द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग AB। AB के अलोंग क्या लगी है, मैग्नेटिक फील्ड लगी है, ऐसे जा रही है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म BC इज F, तो इसके ऊपर बताया जा रहा है कि भाई साहब इसके ऊपर जो फोर्स है वो कितना है, F है। द फोर्स ऑन आर्म AC इज, तो बताओ AC के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो तीन फैक्ट अपन यूज करते हैं। सबसे पहला तो अपन ये यूज करेंगे कि जो लूप होता है उसके ऊपर ओवरऑल फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब ओवरऑल फोर्स जीरो करना है हमें, तो इसके ऊपर फोर्स कितना बता रखा है हमें, बीसी के ऊपर फोर्स F लग रहा है। देखो ये जो लाइन है AB, ये और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि पक्का इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको अपन फोर्स ऑन AC मान लेते हैं, और ये आपका हो गया फोर्स ऑन BC। और आपको पता है फोर्स ऑन AB प्लस फोर्स ऑन BC प्लस फोर्स ऑन CA, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, CA या AC कुछ भी लिखो, जीरो होना चाहिए। फोर्स ऑन AB जीरो है आपका, फोर्स ऑन BC कैपिटल F है, और ये आपको फाइंड आउट करना है। इसको मैं अभी AC लिख लेता हूँ, राइट, इज इक्वल टू जीरो। तो फोर्स ऑन AC जो निकल के आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस F के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो इस फैक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। A square loop carrying a steady current I is placed in a horizontal plane near a long straight conductor carrying a steady current I1 at a distance D. डायग्राम में बता रखा है सारा सब कुछ। From the conductor as shown in figure, the loop will experience. तो देखो इस वायर की वजह से ये जो I1 करंट जा रही है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, आप अंगूठा रखो करंट की डायरेक्शन में और आपकी उंगलियों की कर्ल बता देगी आपको कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस आर्म के ऊपर भी फोर्स लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा। आप महसूस कर सकते हो कि इस आर्म के ऊपर जो फोर्स लगेगा और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे, क्योंकि इन दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर, इस डायरेक्शन के ऊपर तो फोर्स लगने वाला ही नहीं है। अब अपन बात करते हैं इस वायर की और इस वायर की। तो आपको पता है कि वायर के पास वाले पॉइंट पर, ठीक है, वायर के पास वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसको मैं B1 नाम दे देता हूँ, वो ज्यादा होती है दूर वाले पॉइंट के कंपैरिजन में। अगर याद हो तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी μ0 × I / 2πD। तो डी जो है डिस्टेंस जो थी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो जहां पर डिस्टेंस कम है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, और जहां पर डिस्टेंस ज्यादा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम। तो आप यूँ कह सकते हो कि B1 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन B2। अब दोनों की लेंथ तो सेम ही है, इसका मतलब है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा I × L × B1 दैट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन I × L × B2, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा
इसके कंपैरिजन में फोर्स के तुलना में ज्यादा होगा। अब अपन ये देखते हैं इसके ऊपर फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में। तो मैंने बताया था इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, क्रॉस। लेंथ है इधर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के अंदर जाती हुई, तो लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मैं अपनी उंगलियों के कर्ल को लेके जाऊंगा और अंगूठा बता देगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो इसके ऊपर तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और इसके ऊपर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो ओवरऑल फोर्स भी आपका किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि आपको ओवरऑल ये लूप जो है वो अट्रैक्ट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सो अ नेट अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द कंडक्टर, अ नेट रिपल्सिव फोर्स अवे फ्रॉम द कंडक्टर, अ नेट टॉर्क एक्टिंग अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द होराइजन हॉरिजॉन्टल प्लेन, अ नेट टॉर्क एक्टिंग डाउनवर्ड नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमें करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं टॉर्क की। टॉर्क इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और इस लूप का जो एरिया वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है आप देख सकते हो, 180 डिग्री है, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो हमारा जो टॉर्क है वो कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। एक बार मैं टॉर्क का फॉर्मूला आपको बता देता हूं, ठीक है, और इसको मैं करेक्ट भी कर देता हूं। मुझे इस क्वेश्चन के जरिए याद आया, यहाँ पर एन आई ए बी साइन थीटा होता है, तो अगर थीटा जीरो डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा तो आपका टॉर्क जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट, एन आई ए बी साइन थीटा होगा, राइट। तो इसलिए जो टॉर्क वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, टॉर्क वाला ऑप्शन दोनों में बता रहा है कि टॉर्क लगना चाहिए और हमें पता है टॉर्क लगेगा ही, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी वी, सॉरी न्यू, वो जो वी है ना, वी जैसा लग रहा है वो न्यू है, इज अप्लाइड अक्रॉस द डीज ऑफ अ साइक्लोट्रॉन दैट इज बीइंग यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स। द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज्ड इन द साइक्लोट्रॉन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन बीम Produced by it are given by, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो फ्रिक्वेंसी होती थी वो किसके इक्वल हुआ करती थी, Q B divided by 2 by M के इक्वल हुआ करती थी, ठीक है। यहां पे चार्ज, क्योंकि प्रोटोन लिया ना, तो चार्ज की जगह तो आ जाएगा E, मैग्नेटिक फील्ड B हमें फाइंड आउट करनी है, 2 पाए का हम कुछ कर नहीं सकते, और मास जो है यहाँ पे भी कितना दिया गया है, m दिया गया है, तो b की वैल्यू तो आ जाएगी 2 पाए m टाइम्स न्यू डिवाइडेड बाय c, ठीक है। तो b की वैल्यू तो आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 4 में से कोई एक जो है वो करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटोन बीम प्रोड्यूस्ड बाय इट आर गिवन बाय, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी हुआ करती थी q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, q की जगह तो अपन e रख देंगे, ठीक है। b जो है उसकी जगह हम कितना रख सकते हैं, इसको, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय e स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, इसको रख के इसका स्क्वायर कर दिया, आर स्क्वायर हमने यू का यू रख दिया और डिवाइडेड बाय 2 एम भी हमने यू का यू रख दिया। ई स्क्वायर से ई स्क्वायर तो कैंसिल आउट होते हुए नजर आ रहा है, 2 से 4 भी कैंसिल होते हुए नजर आ रहा है, और एम से 1 एम भी कैंसिल होते हुए नजर आ रहा है। अपना आंसर आ रहा है 2 पाई स्क्वायर एम टाइम्स न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर टाइम्स एम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। आसान क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। दो, व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टूवर्ड्स वेस्ट। तो पहले चारों डायरेक्शन बना लेते हैं, ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गई, और ये भाई साहब जी हमारे साउथ डायरेक्शन हो गए। एक्सेलरेशन ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट,
when it is projected towards north with a speed V naught, it moves with an initial acceleration 3A naught towards west. The electric and magnetic fields in the room are. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर उल्टा पूछा गया है आपको क्वेश्चन, राइट? तो अपन एक एक चीज के ऊपर चलते हैं. प्रोटोन हमारा चार्ज हो गया, रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है. अब अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हो भी वहां पर तो भी उसका असर तो नहीं पड़ेगा. केवल और केवल किसका असर पड़ेगा? उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़ेगा. तो इसको पकड़ो. व्हेन रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम, इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ई नॉट. तो ये जो एक्सेलरेशन आया है ये केवल और केवल किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है प्रोटोन के ऊपर वो तो होता है ई टाइम्स ई, और जो आपको एक्सेलरेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए एम टाइम्स ई नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आ जानी चाहिए एम टाइम्स ए नॉट डिवाइडेड बाय ई. सबसे पहले आपको ये पकड़ना है, अगर आप इसको पकड़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा. अच्छा, प्रोटोन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. तो फोर्स लग रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में हो जाएगी? वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी. तो या तो ये आंसर करेक्ट होगा या फिर ये आंसर करेक्ट होगा. दो चीजों पर तो हम आ चुके हैं, ठीक है. अब आते हैं हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर. व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ स्पीड वी नॉट, विथ स्पीड वी नॉट, इट मूव्स विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन 3A नॉट. अब आपने नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर मूव करवा दिया इसको. अब नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर मूव करवा दिया तो आप देख रहे हो इसका एक्सेलरेशन तो बढ़ गया. ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन अभी भी होगा, और उसमें भी आपने 2A नॉट कनेक्ट कर दिया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो भी किस डायरेक्शन में होना चाहिए? वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए. और वेस्ट डायरेक्शन में तभी हो सकता है जब चार्ज की मोशन तो यूं हो और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर आती हुई. क्यों? क्योंकि उसी कंडीशन में जब अपन वी वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियों को करेंगे तो हमारा अंगूठा बताएगा कि सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जानी चाहिए बोर्ड के अंदर, ठीक है. तो चार्ज जा रहा है आपका किस डायरेक्शन के अंदर? नॉर्थ के अंदर. मैग्नेटिक फील्ड जा रही है बोर्ड के अंदर, तो आप चार्ज के वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ लेके जाओगे तो फोर्स आपको किस डायरेक्शन में लगता हुआ नजर आएगा? वेस्ट डायरेक्शन के अंदर नजर आएगा. तो एक तो हमें पता पड़ गया कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो होती होनी चाहिए वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? डाउन, इस डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए. तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया. हमें वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, ये स्मार्ट तरीका हो गया. बट एक बार अपन चेक कर लेते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. तो अब हमारे पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो तो हो जाएगा ई टाइम्स ई, और ई की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं एम ए नॉट डिवाइडेड बाय ई. और एक फोर्स किसकी वजह से लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा तो उसको अपन लिख सकते हैं क्यू टाइम्स वी टाइम्स डी. क्यू की जगह अपन ई रख देते हैं, प्रोटोन की बात कर रहे हैं. और ये ऑल किसके इक्वल हो जाना चाहिए? 3 टाइम्स ए नॉट टाइम्स मास एम के इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है. ई से ही चला गया, एम ए नॉट को उधर ले जाएंगे तो ई इंटू वी इंटू डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3 में से 1 चला गया, 2m a नॉट के इक्वल हो जाएगा. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 2m a नॉट डिवाइडेड बाय ev, ठीक है. ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जानी चाहिए 2m a नॉट टाइम्स ev नॉट कर लो, ठीक है ना, वेलोसिटी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार. इस क्वेश्चन के अंदर आपको बिल्कुल निचोड़ा जा रहा है कि आपने कितना अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा है, राइट. तो ध्यान देना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स कैसे ऐड करना है, सारी प्रेजेंस आपको पता होनी चाहिए कि यार रेस्ट पर है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाएगी लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी लगाएगी. फोर्स बढ़ गया इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स को सपोर्ट कर रहा है. वहां से आप डायरेक्शन में आओगे और डायरेक्शन आते आते फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यार क्या होना चाहिए, हमारा इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A square loop ABCD carrying a current I is placed near and coplanar with a long straight conductor XY carrying a current I. The net force on the loop is. तो इस लूप के ऊपर अभी अभी अपनों ने ऐसा क्वेश्चन करा था कि इसके ऊपर जो फोर्स होगा और इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो तो आपस में एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? कैंसिल आउट कर जाएंगे. अब हमें निकालना है फोर्स इसके ऊपर और इसके ऊपर. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी
म्यू नॉट टाइम्स करंट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई। डिस्टेंस कितनी लिया अपन यहां से, वायर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई एल बाय 2, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी म्यू नॉट टाइम्स करंट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई। डिस्टेंस कितनी हो गई एल बाय 2, ये है एल ही है तो टोटल डिस्टेंस होगी 3 एल बाय 2। 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, तो इधर तो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय आई इन टू एल, और इधर मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 3 पाई इन टू एल। तो जो नेट फोर्स लगेगा, ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम है, यहां पे केवल पाई एल से डिवाइड कर रहे हो, यहां पे 3 पाई एल से डिवाइड कर रहे हो ना, तो जो इस आर्म के ऊपर फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा, तो इसके ऊपर फोर्स हो जाएगा एफ वन, जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई टाइम्स स्मॉल आई डिवाइडेड बाय पाई इंटू एल, आई इंटू एल इंटू बी। तो मैंने आई को बी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी लेंथ अपन कितनी ले लेते हैं कैपिटल एल, और इसको मैंने कैपिटल एल से मल्टीप्लाई कर दिया, आई इंटू एल मल्टीप्लाइड बाय बी, यही तो होता था फॉर्मूला हमारा। और यहां पर जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू डिवाइडेड बाय 3 पाई, ये तो बी हो गया, टाइम्स करंट स्मॉल आई टाइम्स लेंथ एल, एल से एल चला गया, इधर भी एल से एल चला गया, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो नेट फोर्स निकल के आएगा आपका म्यू नॉट आई स्मॉल आई डिवाइडेड बाय पाई माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय स्मॉल आई डिवाइडेड बाय 3 पाई। इसको 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एलसीएम सेम हो जाए, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2 म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई डिवाइडेड बाय 3 पाई आपका आंसर आ जाना चाहिए, 2 म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई डिवाइडेड बाय 3 पाई इंटू एल, ये रहा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए करेक्ट, मेरे को दिख नहीं रहा था ऑप्शन, राइट, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाना चाहिए करेक्ट हो जाना चाहिए। अ मेटल रॉड ऑफ मास 10 ग्राम एंड लेंथ 25 सेंटीमीटर इज सस्पेंडेड ऑन टू स्प्रिंग एज शोन इन फिगर एंड द स्प्रिंग्स आर एक्सटेंडेड बाय 4 सेंटीमीटर, ठीक है, स्प्रिंग के अंदर जैसे आप इस मास को लटकाओगे तो 4 सेंटीमीटर स्ट्रेच होके पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। व्हेन अ 20 एम्पियर करंट पासिस थ्रू द रॉड इट राइजेस बाय 1 सेंटीमीटर। अब जैसे इसके अंदर आप करंट फ्लो कराओगे, अब देखो करंट बैटरी के हायर टर्मिनल से बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी वो इधर की तरफ हो जाएगी, तो करंट है इधर की तरफ, करंट की डायरेक्शन में लेंथ की डायरेक्शन ली जाती है और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आप अपने उंगलियों के कर्ल को लेके जाओगे, लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगलियों के कर्ल को लेके जाओगे तो अंगूठा बता देगा कि इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे ही अगर ये 1 सेंटीमीटर ऊपर चली जाएगी तो भी इसके अंदर जो नेट स्ट्रेच होगा वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर पहले खींचा हुआ था, 1 सेंटीमीटर आपने वापस इसको क्या कर दिया ऊपर ले गए, तो नेट स्ट्रेच कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर नेट स्ट्रेच हो जाएगा तो उसकी वजह से यहां पर जो फोर्स लगेगा वो स्प्रिंग फोर्स भी किस डायरेक्शन के अंदर होगा आपका, अपवर्ड डायरेक्शन होगा, क्योंकि स्टिल आपकी जो स्प्रिंग जो है वो क्या हो रखी है स्ट्रेच हो रखी है, और इसका जो वेट है वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और तीनों को आपको क्या करना है बैलेंस करना है। अब देखो ये फोर्स आप आसानी से निकाल लोगे क्योंकि आपको करंट दी हुई है, आपको लेंथ दी हुई है और आपको मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, ये फोर्स भी आप आसानी से निकाल लोगे क्योंकि आपको मास दिया हुआ है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है। दिक्कत आएगी इस फोर्स को निकालने में क्योंकि इसकी वैल्यू होती है के टाइम्स एक्स, और दो स्प्रिंग्स है तो 2k टाइम्स एक्स हो जाएगा, तो आपको k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, तो वहां पर चलते हैं हम, तो हमें जो कहा गया है ना एक्सटेंडेड बाय 4 सेंटीमीटर सबसे पहले अपन इसका यूज करेंगे, हमने कोई करंट फ्लो नहीं करी, कुछ नहीं करा, केवल और केवल इसको लटकाया और ये 2-4 सेंटीमीटर से एक्सटेंड हो गया, इसका मतलब है स्प्रिंग की वजह से लगने वाला जो नेट फोर्स होगा दैट इज 2 टाइम्स के टाइम्स 4 सेंटीमीटर 10^-2 kx इधर लगेगा, kx इधर लगेगा, वो किसको बैलेंस कर लेगा वेट w को बैलेंस कर लेगा, तो वेट की वैल्यू कितनी है 10 ग्राम यानी 10 into 10^-3 into
जी की वैल्यू भी अपन को कितनी लेनी है, 10 लेनी है। देखो ये माइनस थ्री है और ये प्लस वन है तो माइनस टू हो जाएगा, तो ओवरऑल अपन किसको काट देंगे इस माइनस टू से, तो k की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 4, ये k की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे हमें k की वैल्यू मिल गई उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास में तीन फोर्सेज होंगे, एक तो मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा आई, करंट कितना दे रखा है हमें, ठीक है, व्हेन अ 20 एम्पीयर करंट, तो करंट की वैल्यू है 20, लेंथ कितनी दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 100, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है हमें, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं दे रखी है हमें, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी हो गई, बी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, तो 20 आई इंटू एल इंटू बी ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। स्प्रिंग फोर्स की अगर अपन बात करें तो दो स्प्रिंग से तो डबल हो जाएगा, के की वैल्यू अब हमारे पास में है 5 डिवाइडेड बाय 4, और नेट स्ट्रेच कितना है अभी भी 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू एम जी, वेट कितना है इसका 10 ग्राम यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया इंटू 10। तो देखो इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 15 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 इस तरीके से रह जाएगा ये, ठीक है। तो अपन इसको भेजते हैं, सारी चीजों को उधर की तरफ भेजेंगे, ये 20 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 5d जो है वो किसके इक्वल बचेगा, यहाँ पे इस 0 से इस 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से इस 0 कैंसिल हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस इधर बचेगा 15 डिवाइडेड बाय 200, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 200 और यहाँ पे करेंगे तो इधर तो 20 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा, 20 में से 15 चला गया तो कितना बचेगा 5 डिवाइडेड बाय 200, तो b की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय, इस 5 को नीचे ले जाएंगे तो 5 200 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा ये, यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, ठीक है, या तो 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 लिख लो या फिर 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 लिख लो, ठीक है ना, 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपको करेक्ट होता हुआ नजर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजों को मिलाया गया है और इतनी सारी चीजों को मिलाया जब जाता है तब आप में से बहुत सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं, और मोस्ट वांटेड सीरीज का यही फायदा है क्योंकि अब आपको कहीं से किधर से किसी भी तरीके से चीजों को मिलाया जाए, आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन इतनी फ्रेश है अगर आप इसको बाय हार्ट फॉलो कर रहे हैं कि आपको इन क्वेश्चंस को करने में बल्कि ज्यादा मजा आ रहा होगा। आपको नॉर्मल क्वेश्चन तो ऐसे लग रहे होंगे कि यार सर क्या इतने आसान आसान से क्वेश्चन करवा रहे हो, बट ये केवल और केवल मोस्ट वांटेड सीरीज की वजह से हो रहा है कि आपको क्वेश्चन आसान लगने लगे हैं, और इनफैक्ट इस तरीके के क्वेश्चन जिनको पहले आप गिव अप कर दिया करते थे उनमें भी आपको मजा आने लगा है। बट ये बात अगर आपके मुंह से सुनाई देती है, अगर आप मेरे तक ऐसा कुछ फील कर पा रहे हैं तो इस बात को अगर पहुंचाते हैं तो मुझे ये बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग लगेगा, राइट। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।